हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके साथ एक बर्थडे डेकोरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। बर्थडे डेकोरेशन हम घर पर कम बजट में कैसे अरेंज कर सकते हैं और घर की ही चीज़ों से जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बैलून्स लिए हैं, मेरे पास 50-50 बैलून्स का दो पैकेट थे, वो 100 हो गए, और 30 बैलून्स का मैंने अमेजोन से मंगाया था, और ये मैंने हैंड पंप की हेल्प से इनको सबको फिल कर लिया है, और कुछ यहाँ पर डैमेज निकले और कुछ को मैंने फिल कर लिया है। यहाँ पर लिए हैं मैंने सिमरी कर्टन्स और साथ में ही बर्थडे बैनर के साथ मुझे एक रिबन दिया था, और मैं अभी कर्टन को ओपन करके इसको मैं वॉल पे स्टिक कर दूंगी। यहाँ पर मैंने दो कर्टन लिए हैं और ये इजीली स्टिक हो जाते हैं। मुझे जो कर्टन रिसीव हुआ था इनके ऊपर पहले से ही ग्लू लगी हुई थी, खाली मुझे इस टेप को रिमूव करना था और बस वॉल पे हैंग करना था। समटाइम क्या होता है कि हमें जो कर्टन रिसीव होते हैं उन पर ग्लू नहीं लगी होती, तो हम उसे सेलो टेप की हेल्प से वॉल पे इजीली स्टिक कर सकते हैं और रीयूज़ भी हो जाते हैं वो। ये थोड़ा मुश्किल होता है रीयूज़ करने के लिए, तो ये मैंने हैंग कर दिया है। अभी मैं बर्थडे बैनर भी बना लूँगी। यहाँ पे मुझे जो रिबन रिसीव हुआ था, तो रिबन की हेल्प से ही मैं हैप्पी बर्थडे बैनर को अरेंज कर लूँगी। ये सब अरेंज करने के बाद फिर मैं इसको भी कर्टन सिमर के ऊपर ही इसको अरेंज कर दूंगी, उसके साथ ही मैं इसको राउंड शेप में लगा दूंगी। बर्थडे का बैनर लगाने के बाद अभी आती है बारी बैलून का बंच बनाने के लिए। बैलून बंच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बैलून्स लिया है, उनको आपस में मैंने इस तरह से नोट लगा दी है। अभी मेरे यहाँ पर मुझे कलरफुल सब चीज़ें थी, कोई थीम नहीं थी, मैंने मल्टी कलर में लिया है, तो यहाँ पर 2 बैलून्स की ओर मैं ऐसे करके नोट लगा दूंगी। अभी इन दो ये बैलून और दो वो, दोनों को हम इस तरह से फिर बीच में नोट लगा देंगे और एक फ्लावर की शेप बन जाएगी इसकी। इसी तरह से मैंने जो भी बैलून फिल करके रखे हैं उन सबको मैं ऐसे ही बना लूँगी, बना के रख लूँगी। और अगर आपके पास कोई हेल्प है तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये अकेला हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब इधर उधर भागता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने एक और ऐसे सेम फ्लावर बना लिया है, मैं ऐसे ही करके सारे फ्लावर्स बना लूँगी ताकि मुझे बंच बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मैं इजीली 1 by 1 इसको स्टिक करती रहूँ। भी मुझे चाहिए एक रिबन या फिर कोई थ्रेड, आप नाइलॉन का थ्रेड भी ले सकते हैं जो दिखेगा भी नहीं और सुंदर भी लगेगा, या फिर आप नॉर्मली जो थ्रेड होते हैं घर में वो भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एक रिबन लिया है, रिबन की हेल्प से मैं इसको पूरा स्टिक कर लूँगी। इस जॉइंट करना है हमें, तो रिबन का जो एक सिरा है वो नीचे से मैं ऊपर की तरफ लेके आऊँगी, दूसरी साइड से मैं रिबन को फिर दूसरे बैलून को नीचे से लेके ऊपर तक लेके आएंगे। फिर अब मैं इनकी एक नोट लगा लूँगी, इसको एक हमें सिक्योर करना है, तो मैं इसको नोट लगा के सिक्योर कर लूँगी, और इसको टाइटली हमें करना है ताकि ये बीच में इसका कोई भी हमें गैप ना दिखे। तो इसी तरह से मैं 1 by 1 जो बंच हमने बनाए हैं, जो फ्लावर बना के रखे हैं, वो मैं इसके ऊपर रिबन की हेल्प से स्टिक करती जाऊंगी। इसी तरह हमारा बड़ा बंच बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे बंच बनाने के लिए जब ये बन जाए तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो। आप इसे यू शेप में बना सकते हो, एल शेप में बना सकते हो। इसी तरह मैं इसके ऊपर और लगाती जाऊंगी, और मैंने इसको यू शेप में बनाने की कोशिश की है। बस कुछ बैलून्स कम रह गए थे, नहीं तो ये पूरा नीचे तक राउंड शेप में बन जाता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये आधा यू बना था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी मुझे इसको स्टिक करना है। स्टिक करने के लिए एक टेप आती है, उसे बैलून टेप के नाम से ही बोलते हैं। उसको मैंने एक बैलून पे ऐसे स्टिक कर दिया और वॉल पे उसको चिपका दिया, वो इजीली चिपक जाता है। इसको मुझे बहुत ज़्यादा स्टिक भी नहीं करना, बस 1-2 मैंने बैलून को ऊपर उसको टेप को लगाया था और ये इजीली स्टिक हो गया था। और यहाँ पर मैंने मेरे बेटे की मंथली
जो फोटोज़ ली थी उनको एक चार्ट पेपर पर लगा दिया है और रिबन की हेल्प से उसे इस तरह से अरेंज करके हैंग कर दिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी मुझे बनाना है फ्लावर जो मुझे कर्टन के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर वही सेम तरीके से मैं दो को दो दो की नोट लगा लूँगी, चार बैलून्स को एक ही कलर के मैं चार बैलून ले रही हूँ। तो यहाँ पर वही मुझे सेम दो दो बैलून को आपस में नोट लगा के और फिर उनको फोल्ड करना है ताकि ये फ्लावर बन जाए। अभी मुझे एक छोटा बैलून लेना है, बैलून सेम है बस उसको फिल कम किया है तो इसीलिए वो छोटा बन गया। अभी ये टेप आती है बैलून टेप के नाम से, तो इस टेप को मैं बैलून के ऊपर लगा दूंगी और ऊपर से इसको इस स्टिकर को हटा देंगे तो नीचे से ये ट्रांसपेरेंट ही ग्लू होती है तो इजीली ये फ्लावर के ऊपर चिपक जाएगी और एक अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। मैंने ये तीन कलर में बनाए हैं, ब्लू, वाइट और गोल्डन कलर में। के पास बलून गम नहीं है, बलून टेप नहीं है तो आप इधर सेलो टेप को भी डबल करके उससे भी आप इजीली स्टिक कर सकते हैं या आप डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसी टेप से मैं इसको वॉल पे स्टिक कर लूँगी। यही टेप मैंने इसके ऊपर लगा दी है, अभी ऊपर से स्टिकर को रिमूव कर दूँगी और नीचे से हमारी जो ट्रांसपेरेंट है वो ग्लू दिखेगी। तो अभी मैं इसको भी वॉल पे कर्टन के ऊपर स्टिक कर दूंगी। अभी फ्लावर बनाने के बाद मैं यहाँ पर सीलिंग के लिए कुछ रेडी कर रही हूँ। सीलिंग के लिए मैंने एक रिबन लिया है, रिबन की एक साइड से मैं बैलून के ऊपर नोट लगा दूंगी और दूसरी साइड से मैंने मेरे बेटे की कुछ पिक्चर्स निकाल के रखी थी वो मैं सेलो टेप की हेल्प से रिबन के ऊपर स्टिक कर दूंगी। और कुछ मैंने DIYs भी बना के रखे थे, मैंने गाड़ी बनाई थी, लास्ट मेरी वीडियो आप चेक कीजिएगा, उसमें कुछ DIY मैंने आपके साथ शेयर किए थे तो वही मैं एक रिबन से उसको भी गाड़ी को भी स्टिक कर दूंगी। आप चाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और अभी मुझे जो मैंने आपको बैलून टेप दिखाई थी वही सेम टेप मैं बैलून की ऊपर की साइड लगा दूंगी और इस स्टिकर को रिमूव कर देंगे और ये इजीली हमारे सीलिंग पे हैंग हो जाता है, ये गिरता भी नहीं है, स्टिक रहता है। और अभी मुझे ये सब करने के बाद एक टेबल अरेंज करनी है बर्थडे केक के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेरी डाइनिंग टेबल को खाली कर लिया है और मैंने चेयर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया है। यही सेम प्रोसेस आप अपने सेंटर टेबल के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है तो। यहाँ पर वाइट कलर की एक बेडशीट ली है, आप किसी भी लाइट कलर की बेडशीट ले सकते हैं या आपके पास कोई क्लॉथ हो तो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेबल को पूरा ही बेडशीट से कवर कर लिया है ताकि ये एक अच्छा सा लुक दे। और साइड से मैंने उसके एजेस को सेफ्टी पिन और सेलो टेप से पूरा स्टिक कर दिया है। एक साइड से मैंने ऐसे सेफ्टी पिन लगा दी है, ऊपर से मैंने इधर सेलो टेप लगा दी है। सेलो टेप इजीली रिमूव हो जाती है और कोई निशान भी नहीं छोड़ती और वो अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है सेलो टेप से। तो मैंने यहाँ पर चारों एजेस से सेलो टेप से इसको सिक्योर कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने अंदर की साइड बेडशीट का कर दिया है ताकि वो सामने से देखने से अच्छा लगे, अंदर कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पर मैंने अपने कुछ ओल्ड दुपट्टा लिए हैं, पहले मैंने ये रेड कलर का डाल के देखा तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने अपना ब्लू कलर का एक दुपट्टा लिया उसको ही मैंने डाल के देखा तो वो अच्छा लग रहा था और मैंने फिर उसको भी सेलो टेप से सिक्योर कर दिया। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो देखिए आप सब भी बहुत ही सुंदर निकल के आया है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ा मेहनत होती है, पर जब हमें अपने हाथ से कुछ चीज़ करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैंने क्या क्या अपने हाथ से किया है।
और यहाँ पर मैंने एक तरफ वन बना के रख दिया था जो मेरा आए वाए था, और एक तरफ मैंने वी को रख दिया है क्योंकि मेरे बेटे का नाम विहान है, तो इसीलिए मैंने वी को साइड में रख दिया है। और वन इसलिए क्योंकि मेरा बेटा 1 ईयर का हुआ था। तो यहाँ पर मेरा फाइनल लुक हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।